कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा गया है कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। वकील ने अपील की है कि हाई कोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का भी गठन हो। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा गया है कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, संदेश खाली में इस वक्त काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी कि कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को तो गिरफ्तार किया जा चुका है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वकील ने अपील की है कि हाईकोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का भी गठन हो। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी। वह इन्होंने कहा कि हमने पढ़ा है कि उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 4 साल पुराना मामला है, एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए। कोर्ट की फटकार के कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख और उसके 2 साथियों शिबू हजारा, उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने अब तक शिबू हजारा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि शाहजहां अब तक फरार है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी, तब शाहजहां के 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक किया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा था, तभी से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि संदेश खाली के लोगों का कहना है कि वो कहीं ही नहीं गया है, वो यहीं है। वह इस पूरे मामले पर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो किसी भी भारतीय की समझ से परे है। राहुल गांधी पर किए अपने कमेंट में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के लोग संदेश खाली जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन शहजादा जो अभी भी राजनीति के चक्रव्यूह में खोए हुए हैं, उनको इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन महिलाओं ने सालों तक ममता का समर्थन किया, आज उनके घरों से किडनैप कर उनका रेप किया जा रहा है। वहीं एमिकस क्यूरी कोर्ट की तरफ से नियुक्ति वकील ने कहा है कि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, क्या कोई स्टे लगाया गया है? हमने केवल एसआईटी के गठन पर रोक लगाई थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक का कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है कि उसे गिरफ्तार नहीं करो, वो भी 20 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को आदेश देते हैं कि बड़े सर्कुलेशन वाले बंगला और इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जारी करें। वहीं उन्होंने कहा कि क्या हालात की जांच के लिए मैं संदेश खाली जा सकता हूं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप वहां मत जाइए। वहीं इधर एडवोकेट प्रियंका टिब्बरवाला, जो कि भाजपा से हैं, उन्होंने कहा कि एक और गंभीर बात है, मैंने अपनी याचिका में उन पीड़ितों का नाम लिस्ट किया है जिनके साथ अन्याय हुआ है। पुलिस मौजूद है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि अगर वो उनके पास गई तो वैसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप है। कई पीड़िताएं बोली कि पुलिस ने ही उनसे कहा कि शेख शाहजहां की आज से तुम्हारा पति है, पीड़ित पुलिस के पास कैसे जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम डायरेक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए उनकी बात सुन सकते हैं, और वो भी बिना उनकी पहचान उजागर किए। आप पीड़ितों से ऐसा करने के लिए कह सकती हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जाकर वहां कैंप लगा सकते हैं। वहीं इस पर धारा 144 लागू है और उसकी वजह से आरोपी बच रहे हैं। प्रियंका टिब्बरवाला ने कहा कि पीड़ित हाउस टेरेस हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के मंत्री वहां जा रहे हैं और वो पीड़ितों को डरा रहे हैं। उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत कैसे मिल गई? अगर वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है तो रूलिंग पार्टी के नेताओं को भी नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो बंगाल सरकार से है, 2023 में इस मुकदमे में 43 एफआईआर दर्ज हुई थी, 42 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जमीन हड़पने के मामले में 7 एफआईआर हुई थी और सभी में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। 8 फरवरी 2024 से 8 नए केस शुरू हुए हैं, अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए, पिछले कई साल से मुद्दा गरमा रहा है और अचानक फट पड़ा। वहीं इधर टिब्बरवाला ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उधर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम ऐसा कराएंगे, लेकिन 4 साल तक आप कर क्या रहे थे? आपका क्लाइंट क्या कर रहा था? क्या वो वहां गया था जब कोर्ट ने ये मामला उठाया तो आप सब आने लगे? ये सब 4 साल से चल रहा था और आप 2024 में पीआईएल फाइल करने आए हैं।
भाजपा फिर हाईकोर्ट गई, संदेश खाली जाने की इजाजत मांगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली जाने के लिए एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट गई है। भाजपा नेताओं को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं दी थी। स्वतंत्र फैक्ट फंडिंग टीम रविवार को संदेश खाली का दौरा करने गई थी, लेकिन टीम के सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया। विवाद बढ़ा था देख तो 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक रविवार को जब बंगाल सरकार के 2 मंत्री पार्थ भौमिक और सुजीत बासु संदेश खाली के लिए हल्दार पाड़ा पहुंचे तो महिलाएं इन पर बरस पड़ी। दरअसल मंत्रियों ने इन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ राशि और जमीन का बकाया पैसा दिलाने का आश्वासन दिया तो महिलाएं आक्रोशित हो गई। उन्होंने कहा कि क्या सरकार मामूली पैसा देकर हमारी इज्जत की कीमत लगा रही है। थोड़ी देर बाद जब टीएमसी का एक और नेता अजीत मेहती वहां पहुंचा तो लोग उसे मारने दौड़े। अजीत 4 घंटे तक एक घर में छिपा रहा, बाद में पुलिस ने उसे बचाया। अजीत मुख्य आरोपी शाजा शेखा स्थानीय गुर्गा भी है। वही आरोपी शाजा संदेश खाली में कहां से आए ये कोई नहीं जानता। 2000 से 2001 में वो मत्स्य केंद्र में मजदूर था, सब्जी भी बेचे, फिर ईंट भट्टे पर काम करने लगा। यहाँ उसने मजदूरों की यूनियन बनाई, फिर CPM से जुड़ा। सिंदूर और नंदीग्राम आंदोलन में वाम दलों की जमीन खिसकी तो 2012 में तृणमूल के तत्कालीन महासचिव मुकुल रॉय उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता ज्योति प्रिय मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ गया। जिस राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय शाहजहां को खोज रहा है उसी केस में मलिक जेल में है। गांव वालों ने बताया कि शाहजहां के पास सैकड़ों मछली पालन केंद्र, भट्टे, सैकड़ों एकड़ जमीन, वो 2 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शुभ हजारा उत्तम सरदार पर आरोप है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शुभ हजारा उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहां अब तक फरार है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी, वहां पर उसे बचा लिया गया था। इसी मामले में बैच ने 20 फरवरी को बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर यह साफ है कि टीएमसी नेता शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया, जो शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। अब देखना यह है कि क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं कि 7 दिन के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। फिलहाल के इतना ही। भारतीय टाइम में कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।